क्वेश्चन नंबर 23 है, उसको भी उसी तरीके से करना है जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 करते आए हैं, उसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 23 करना है। और देखिए कैसे होगा, हम लोग इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे, वहां से हमें वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की मिलेगी। तो जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो एक्स मिल जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो अंडर रूट कर देंगे वाई मिल जाएगा, और जेड स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो अंडर रूट कर देंगे तो जेड मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं, फिर वो एक्स वाई जेड की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। हिंट है, कर सकते हैं तो करिए, मैं पूरा वैसे भी नहीं करवाऊंगा, थक। देखिए करते हैं, चलिए मान लीजिए थोड़ा सा आपको करवा दें, बाकी लास्ट मोमेंट पे आपको अकेला छोड़ देंगे ताकि आप इसे खुद करें। तो यहां से माइनस टू माइनस थ्री, तो ये माइनस का टू माइनस का थ्री, यहां से प्लस फाइव माइनस का फिफ्टीन, तो प्लस का फाइव माइनस का फिफ्टीन, यहां से प्लस थ्री प्लस सेवन, तो प्लस का थ्री प्लस का सेवन, और यहां से माइनस का टू माइनस थ्री, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको एक्स स्क्वायर देगा, इन दोनों का वाई स्क्वायर देगा, और इन दोनों का जेड स्क्वायर देगा, क्योंकि यहां पर वेरिएबल खुद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की फॉर्म में है। ये समझ आया? अब ध्यान से देखिए पहले वाली इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 215 जब आपको 30 दे देगा प्लस का, बीच में माइनस आता है, 35 जब 15 माइनस माइनस प्लस का कर देगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 57 जब 35 देगा, बीच में माइनस आता है वो, और 53 जब 45 देगा लेकिन माइनस माइनस प्लस का 45 कर देगा, इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन में 33 जब माइनस का 9 देगा, बीच में माइनस आता है 72 जब 14 माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो आपको रिजल्ट मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 30 और 15 मिल गया 45, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में ये मिल गया आपको 80, और इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन में 40 में से 9 गया तो 5। ये आपको समझ आया? इसको थोड़ा और एलिमिनेट करेंगे तो 51 जा 5 16, 5 जा 80 और 59 जा 45, तो आपको रिजल्ट मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन में 1। ये आपको समझ आया? अब आप यहां से देखिए क्या कर सकते हैं कि अगर ये वाली क्वांटिटी फिर से पहली थर्ड और सेकंड थर्ड, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये रिजल्ट तो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू आगे आपका यहां से जेड स्क्वायर अपॉन में 1, ये रिजल्ट हो गया जेड स्क्वायर अपॉन में 1। उसी तरीके से वाई स्क्वायर अपॉन में 16 बराबर आ गया जेड स्क्वायर अपॉन में 1, तो यहां से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन में 16 बराबर आ गया जेड स्क्वायर अपॉन में 1। आप समझ रहे हैं? और यहां से देखिए रिजल्ट मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जेड स्क्वायर, ये मिलेगा, और जेड स्क्वायर की जगह तो जेड है ही है, वो वाला रिजल्ट। तो यहां से आपको दो रिजल्ट मिले कि एक तो, और यहाँ पे जेड स्क्वायर की जगह तो जेड स्क्वायर ही है, तो अगर जेड स्क्वायर बराबर जेड है तो यहाँ फिर से मतलब आपको एक बार प्लस जेड लेना है और एक बार माइनस का जेड, सॉरी जेड बराबर जेड है, क्योंकि देखिए आपने फर्स्ट वाले थर्ड के इक्वल पुट करा तो आपको ये रिजल्ट मिलता है, सेकंड वाले थर्ड के इक्वल पुट करा तो ये रिजल्ट मिलता है, थर्ड इक्वेशन पे जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जेड स्क्वायर बराबर है जेड के, इसका मतलब जेड बराबर प्लस भी हो सकता है, जेड बराबर तो जेड है ना, क्योंकि जेड की जगह हम क्या कर सकते हैं, वो तो आपका सिंपल जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर है, मतलब जेड बराबर जेड है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। क्या करा हमने, थर्ड वाली इक्वेशन को थर्ड के इक्वल पुट करते हैं, इसका मतलब हमने यहाँ पर जेड स्क्वायर इक्वल पुट किया जेड स्क्वायर के, तो अगर जेड स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर होगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा जेड बराबर जेड। ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए दो रिजल्ट मिलेगा, एक बार प्लस जेड मिलेगा एक बार माइनस जेड मिलेगा, तो प्लस जेड बराबर प्लस जेड, जेड बराबर जेड, माइनस जेड बराबर माइनस जेड, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो जेड बराबर जेड। ये आपको समझ आया? इस वाले रिजल्ट से आप कह सकते हैं कि x बराबर प्लस का 3z भी होगा और x बराबर माइनस का 3z भी होगा। इस वाले रिजल्ट से आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू प्लस का 4z होगा और y इज इक्वल टू माइनस का 4z भी होगा, और z की वैल्यू तो z के बराबर ही है। अब दो रिजल्ट बनेगा आपका, एक बार x की वैल्यू मतलब प्लस वाले के लिए काम होगा, एक बार y की एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव वाले के लिए काम होगा। आप समझ रहे हैं? मतलब एक बार आप x इज इक्वल टू 3z, x इज इक्वल टू 4z और z की वैल्यू z पुट करेंगे, एक बार आप x इज इक्वल टू 3z, एक बार आप y इज इक्वल टू 4z और z इज इक्वल टू z पुट करेंगे, फिर अगली बार आप x इज इक्वल टू माइनस का 3z, y इज इक्वल टू माइनस का 4z और z इज इक्वल टू z पुट करेंगे, और फिर रिजल्ट चेक करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो वही इन तीनों रिजल्ट को उठाकर यहां पर पुट करिए, z की वैल्यू निकालिए, उठाकर दोबारा पुट कर दीजिए, इन तीनों का रिजल्ट उठाकर यहाँ पर पुट करिए, जेड की वैल्यू निकालिए, उठाकर दोबारा पुट कर दीजिए। ये आपको समझ आया? तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, और मेरे हिसाब से ये 6 है, ये सॉरी ये 6 है,
ये 6 है, वरना तो फिर सारी वैल्यू 0 0 0 ही हो जाती है। ये रिजल्ट आपका 6 है, तो ये तीनों रिजल्ट उठाकर पहले x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करिए, सॉल्व करके z की वैल्यू निकालिए, फिर उसी तरीके से x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करिए और सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए। इतना खुद करिए, नहीं होता तो उसमें छोड़ दीजिएगा, अगर ये भी आपसे नहीं होगा तो फिर आप कमेंट में मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं क्वेश्चन पूरा करवा दूंगा। तो अब आती है आपके बारे, क्योंकि पढ़ाना हो गया खत्म, हम भी गए हैं अब टायर्ड। तो ये बताना था मेरे को कि जो अभी शायद इसमें 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 24, 25, 26, 28 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़े लेंथी हैं, 10-10, 15-15 मिनट के, तो उनके लिए जब ये वीडियो अपलोड हो जाएंगी तो उसके 24 आवर्स बाद आपको वो 5 क्वेश्चन भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप टाइमिंग देख लीजिएगा, सिर्फ मैक्सिमम 24 आवर के बाद, उसके बाद लेट नहीं होगा। तो बस यही कहना था आपसे, बाकी ये 24 तक, 23 तक आज कंप्लीट हो चुका है हमारा, बस मिलते हैं आगे।